हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 ऐसे मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम जो कि E3 में लॉन्च हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेने से पहले क्यों ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा ले ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको E3 के बारे में बता दूं। E3 बेसिकली एक ऐसा इवेंट है जहां पे दुनिया भर के सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज और गेमिंग कंपनीज आकर के जो है अपने प्रोडक्ट को शोकेस करती है, अपने गेम्स को जो है शोकेस करती है। तो E3 में हर साल की तरह इस साल भी जो है बहुत सारे गेम लॉन्चेस हुए। तो पिछले कुछ दिनों में जो है बहुत सारे PC गेम और कंसोल गेम्स जो है लॉन्च किए गए। तो आज जो है हम उसके जो है टॉप 25 एंटिसिपेटेड गेम्स है उनको जो है आज मैं कवर करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि ये गेम जो है कब रिलीज होने वाले और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले गेम की। तो सबसे पहला गेम जो आने वाला है वो है बैटलफील्ड 5। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। तो मैं इस गेम के बारे में आपको बता देता हूं कि बैटलफील्ड 5 जो है बैटलफील्ड 4 का सीक्वल है और ये गेम जो है फर्स्ट पर्सन शूटर गेम होने वाला है। इस गेम को डेवलप किया है EA DICE ने और इसको पब्लिश किया है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने। तो बैटलफील्ड 5 जो है वो सेट होने वाला है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड पे। जो इसका बैटलफील्ड 1 था, जो इसका पिछला पार्ट था, वो सेट था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड पर। इस गेम में जो है आपको वो सारी स्टोरीज देखने को मिलेंगी जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। और ये गेम जो है वो रिलीज होने वाला है अक्टूबर 19 2018 में। इसी साल को ये गेम आपको देखने को मिल जाएगा। ये गेम रिलीज होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, प्लेस्टेशन 4 और एक्सबॉक्स 1 पे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो अगला गेम जो है हमारा वो है असैसिन्स क्रीड ओडिसी। तो असैसिन्स क्रीड ओडिसी जो है एक सरप्राइज रिवील था यूबीसॉफ्ट की तरफ से, क्योंकि इस गेम के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि नया वाला असैसिन्स क्रीड इतनी जल्दी लॉन्च हो जाएगा। पिछले वाले असैसिन्स क्रीड को रिलीज हुए इतना टाइम नहीं हुआ है, एक साल भी नहीं हुआ है, और उसमें जो है उन्होंने नेक्स्ट असैसिन्स क्रीड को जो है लॉन्च कर दिया है। ये गेम जो है वो सेट होने वाला है एशियंट ग्रीस में। तो इस गेम का जो पूरा टाइम पीरियड होगा वो अराउंड BC के आसपास होगा। तो गेम प्ले की बात करी जाए तो ये गेम जो है अपने पिछले वाले ओरिजिन गेम की तरह ही है। तो एनवायरमेंट वगैरह जो है इन लोगों ने अच्छा खासा ग्रीस के टाइम का है, जो स्पार्टन्स वगैरह होते थे उस वक्त के, तो उस टाइप का इन्होंने कॉस्ट्यूम वगैरह दिया हुआ है। नेवल कॉम्बैट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपको ब्लैक फ्लैग में देखने को मिला था। शिप पे फाइट वगैरह करनी है, कॉम्बैट सिस्टम है, स्टेल्थ वगैरह की मोड है। तो काफी सारी चीजें इसमें वैसी की वैसी दी गई है जैसे कि आपको ओरिजिन्स में देखने को मिला है, और ओरिजिन्स की कहानी जो है इसमें थोड़ी सी फॉरवर्ड की जा रही है। ये गेम जो है बहुत जल्दी आ रहा है असैसिन्स क्रीड ओरिजिन के बाद, क्योंकि लास्ट ईयर जो ओरिजिन्स रिलीज हुआ था वो अराउंड 26th या 27th अक्टूबर को रिलीज हुआ था, और इस साल का असैसिन्स क्रीड भी जो है वो 5 अक्टूबर को रिलीज हो रहा है। तो एक साल से पहले पहले जो है दूसरा असैसिन्स क्रीड आ रहा है, जो कि आई थिंक असैसिन्स क्रीड के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो नेक्स्ट गेम है द डिविजन 2। तो द डिविजन 2 के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये गेम जो है रिलीज होने वाला है। तो फाइनली यूबीसॉफ्ट ने इस गेम का ट्रेलर जो है रिवील कर दिया है। तो द डिविजन 2 जो है अपने फर्स्ट पार्ट का सीक्वल है। ये गेम जो है रिलीज हो जाएगा मार्च 15 को 2019 में, और ये गेम आएगा एक्सबॉक्स 1, प्लेस्टेशन 4 और PC पे। और कमाल का ट्रेलर, अगर आप इसका गेम प्ले ट्रेलर देखेंगे तो कमाल के ग्राफिक्स दिए गए हैं इस बार यूबीसॉफ्ट ने। जो पिछला इसका गेम था वो भी काफी कमाल का था, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर शूटर गेम था, थर्ड पर्सन शूटर है। तो इस बार जो है ये गेम सेट होने वाला है Washington DC में, जो इसका पहला गेम था वो सेट था मैनहट्टन में। तो दोस्तों, ये गेम आपको देखने को मिल जाएगा एक्सबॉक्स 1, प्लेस्टेशन 4 और PC पे। अगला जो गेम है वो है द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2। द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये गेम जो है एक एक्शन एडवेंचर हॉरर गेम होने वाला है। तो ये गेम आता है नॉटी डॉग्स की तरफ से। सोनी इंटरएक्टिव ने इस गेम को पब्लिश किया है। ये गेम जो है प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव होने वाला है, PS4 पे आप इस गेम को खेल पाएंगे। ये गेम है अपने लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 का सीक्वल है। जो इस गेम का गेम प्ले है वो एक टॉम राइडर के गेम्स की याद दिलाएगा, क्योंकि उसमें जो है थर्ड पर्सन शूटर और काफी सिनेमेटिक और स्टेल्थ मोड दिए गए। तो इस गेम का गेम प्ले ट्रेलर भी जो है रिवील किया गया सोनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो दोस्तों, फिलहाल तो इस गेम की कोई रिलीज डेट आई नहीं है। जैसे इसकी कोई रिलीज डेट आएगी मैं आपको आने वाली वीडियोस में अपडेट कर दूंगा। आप जाके फिलहाल इसका गेम प्ले देख सकते हैं। सारे लिंक्स जो होंगे ट्रेलर्स के वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो अगला जो गेम है वो है मार्वल का स्पाइडरमैन, जो कि इस साल का आई थिंक मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम होगा, क्योंकि स्पाइडरमैन फैंस जो है काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और अब तक का सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन गेम जो है वो यही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है स्पाइडरमैन का एक नया गेम प्ले ट्रेलर दिखाया गया। तो इस वाले ट्रेलर में जो है स्पाइडरमैन के और 4 नए विलन्स को जो है रिवील किया गया है। वो 4 नए विलन्स जो है आप उनको जानते हैं, तो मैं एक बार नाम बता देता हूं उनका। इस गेम में जो है आपको इलेक्ट्रा, राइनो, स्कॉर्पियन और वल्चर भी देखने को मिलेंगे। इसका जो है इनकी फाइट वगैरह दिखाई गई उस ट्रेलर में आप जो है ऑन स्क्रीन देख रहे हैं। तो इस बार के स्पाइडरमैन गेम में जो है कॉम्बैट सिस्टम पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है कि आसपास की चीजों को आप जो है इंटरेक्ट कर सकते हो, उससे जो है आप अटैक भी कर सकते हो सामने वाले पर्सन पे, और काफी ज्यादा वेब शूटिंग के ऑप्शंस भी दिए गए हैं। बस एक बात पूरी है कि ये गेम जो है प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव होने वाला है, मतलब आप इसको PC पे नहीं खेल सकते ना एक्सबॉक्स पे खेल सकते हैं। बट आई थिंक स्पाइडरमैन फैंस को जो है बहुत मजा आने वाला है इस वाले स्पाइडरमैन गेम में। तो दोस्तों, ये गेम जो है वो रिलीज हो जाएगा इसी साल September 7 को। चलते अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो अगला गेम जो है हमारा वो है शैडो ऑफ टॉम राइडर। तो शैडो ऑफ टॉम राइडर के बारे में भी मैंने बताया था। तो शैडो ऑफ टॉम राइडर जो है राइज ऑफ द टॉम राइडर का सीक्वल है, और ये अपने रिबूट सीरीज का तीसरा पार्ट होने वाला है। कह रहे हैं कि ये गेम जो है आखिरी पार्ट होने वाला है, बट देखते हैं इसके बारे में क्या और ज्यादा डिटेल्स निकल के आती है। तो ये गेम जो है एक एक्शन एडवेंचर गेम है, थर्ड पर्सन शूटर गेम है। ये गेम को डेवलप किया है Eidos Montreal ने, और इस गेम को पब्लिश किया है स्क्वायर इनिक्स ने। तो ये गेम जो है इसी साल रिलीज हो जाएगा September 14 को 2018 में, और ये गेम आएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, प्लेस्टेशन 4 और एक्सबॉक्स 1 पे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो अगला गेम जो है वो है डेविल मे क्राई 5।
5, तो फाइनली इस गेम के बारे में कुछ निकल के आया है। तो इस गेम के ट्रेलर भी जो है हमें E3 में देखने को मिला है। तो डेविल मे क्राई 5 जो है अपने पिछले गेम की तरह ही होने वाला है, और इस गेम का जो ट्रेलर है आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं। तो ये गेम जो है वो रिलीज हो जाएगा अगले साल तक, इसका कोई रिलीज डेट अभी तक आई नहीं है, बट ये गेम जो है वो आएगा PlayStation 4, Xbox One और PC पे। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो अगला जो गेम है वो है जस्ट कॉज 4। तो जस्ट कॉज 4 जो है वो स्टीम पे लीक हो गया था, तो ये गेम जो था वो एक सरप्राइज रिवील था इस E3 में। तो जस्ट कॉज 4 जो है अपने पिछले वाले गेम की तरह ही होने वाला है। तो अपने पिछले गेम की तरह ही जस्ट कॉज 4 में जो है काफी ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहे हैं और काफी ज्यादा इसमें जो है डिस्ट्रक्शन हो रहा है सिटी के अंदर। तो इस बार का गेम जो है वो काफी ज्यादा फोकस किया गया है वेदर सिस्टम पे। तो इस गेम में जो है ट्रेलर में एक स्टॉर्म को दिखाया गया है और उसके बाद जो है एक सैंड स्टॉर्म वगैरह आ रहे हैं। बता दूं आपको कि ये गेम जो है वो रिलीज होने वाला है Xbox One, PlayStation 4 और PC पे, और वो इसी साल रिलीज हो जाएगा दिसंबर 4 को। तो काफी अच्छी रिलीज डेट चूज किया इन लोगों ने अपने गेम को रिलीज करने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो अगला जो गेम है वो है हैलो इन्फिनाइट। तो फाइनली हैलो की तरफ से कोई नया गेम आ रहा है। तो हैलो इन्फिनाइट के बारे में तो हमें ज्यादा नहीं पता चला इसके ट्रेलर, क्योंकि इसका ट्रेलर जो है थोड़ा बहुत सिनेमैटिक लग रहा था, तो उसके गेम प्ले के बारे में तो हमें ज्यादा डिटेल नहीं मिली। लेकिन हमें इतना जरूर पता चला कि हैलो इन्फिनाइट जो है वो इस बार विंडोज 10 पे भी आने वाला है और एक्सबॉक्स 1 पे भी आने वाला है। जो हैलो 5 था वो PC पे नहीं आ पाया। PC गेमर्स के लिए जो है ये काफी अच्छी न्यूज है। तो इस गेम की कोई रिलीज डेट वगैरह आई नहीं है, लेकिन मान के चल सकते हैं कि ये गेम जो है हमें अगले साल तक देखने को मिल जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो अगला जो गेम है वो है डेथ स्ट्रैंडिंग। तो डेथ स्ट्रैंडिंग के ऑलरेडी 2 ट्रेलर आए थे, वो ट्रेलर आई थिंक कटसीन्स थे गेम के, बट उस ट्रेलर से हमें कुछ ज्यादा पता नहीं चला हमें इस गेम के बारे में कि ये गेम कैसा होने वाला है। गेम का जो है एक नया ट्रेलर दिखाया गया E3 में, लेकिन उस ट्रेलर से भी जो है हमें कुछ ज्यादा नहीं पता चला सिवाय उसके एनवायरनमेंट को लेके। तो आई थिंक ये गेम जो है स्पेस में कहीं होने वाला है, तो किसी प्लेनेट पे होने वाला है। तो गेम के जो टेक्सचर और क्वालिटी है वो आई थिंक काफी ज्यादा एडवांस है। आपने ऐसे टेक्सचर क्वालिटी किसी भी गेम में नहीं देखे होंगे। जो ग्रास के टेक्सचर्स निकल के आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट रियल है, पूरे के पूरे रियल लगते हैं। गेम जो है वो एक थर्ड पर्सन शूटर होने वाला है। गेम के एनिमीज जो है वो सेमी इनविजिबल है, मतलब कभी इनविजिबल होते हैं, थोड़े से दिखते हैं, कुछ इस तरीके का गेम प्ले ट्रेलर था इनका। और ये गेम जो है PlayStation 4 एक्सक्लूसिव होने वाला है। तो इस गेम में जो है सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर दोनों के मोड दिए गए हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो अगला जो गेम है वो है एंथम। एंथम गेम जो है काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड गेम है इस साल का स्पाइडरमैन के बाद, क्योंकि EA की तरफ से जो है काफी अच्छा गेम इस बार आने वाला है। तो ये गेम को बनाया है बायोवेयर ने और पब्लिश किया है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने। ये गेम जो है रिलीज होने वाला था इसी साल, बट अब इसकी डेट जो है मूव करके 2019 कर दी गई है। तो ये गेम जो है वो आने वाला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, PlayStation 4 और एक्सबॉक्स 1 पे। बात करी जाए इस गेम के गेम प्ले के बारे में, तो गेम जो है वो थर्ड पर्सन शूटर होने वाला है, एक्शन एडवेंचर गेम है। ये गेम जो है आपको 22 फरवरी 2019 में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो अगला जो गेम है वो है साइबर पंक 2077। तो ये गेम जो है काफी टाइम बाद इसके बारे में कुछ नया रिविलेशन हुई है E3 में। 5 साल पहले इसका एक टीजर लॉन्च किया गया था, तो उसमें जो है इस गेम के ग्राफिक्स की कैपेबिलिटी बताई गई थी। तो फाइनली इसका जो है अभी एक ट्रेलर प्रॉपर आया, लेकिन वो एक गेम प्ले ट्रेलर नहीं है, वो एक टाइप का सिटी का एक्सप्लोरेशन है। ये गेम जो है वो आने वाला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, PlayStation 4 और एक्सबॉक्स 1 पे। तो चलते अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो अगला जो गेम है वो है कंट्रोल। तो कंट्रोल जो है सोनी की तरफ से आता है और इस गेम को बनाया है क्वांटम ब्रेक के डेवलपर्स ने। तो इस गेम का ट्रेलर अगर आप देखें तो काफी कमाल का ट्रेलर, क्योंकि गेम के ट्रेलर से हमें पता चल रहा है कि गेम के अंदर जो है काफी टाइम शिफ्टिंग होने वाला है। आप जो है स्लो मोशन का काफी कमाल इस्तेमाल दिखाया गया है ट्रेलर में। गेम जो है काफी कमाल का होने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस गेम के लिए। तो देखते हैं ये गेम जो है कब तक आता है। माना जा रहा है कि ये गेम जो है कभी भी आ सकता है 2019 में, पर इसकी एग्जैक्ट डेट अभी तक आई नहीं है। तो ये गेम आ जाएगा PlayStation 4, Xbox One और PC पे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो अगला जो गेम है वो है फ्रोजा होरिजन 4। तो फ्रोजा होरिजन 4 जो है फ्रोजा होरिजन 3 का सीक्वल है। ये एक मोटर स्पोर्ट्स गेम है जिसमें आप रेसिंग कर सकते हैं। इस बार का फ्रोजा होरिजन जो है वो काफी ज्यादा सीजन पे बेस्ड है। आप जो है इस गेम को हर सीजन में खेल सकते हैं, लाइक विंटर, समर, ऑटम, इस तरीके के सीजन में जो है हर सीजन में आप गेम को खेल पाएंगे। तो ये गेम जो है वो सेट होने वाला है ब्रिटेन में, और ये गेम जो है इसी साल रिलीज हो जाएगा अक्टूबर 2 को एक्सबॉक्स 1 और PC पे। मतलब कि ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सक्लूसिव गेम होने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो अगला जो गेम है वो है फीफा 19। तो फाइनली फीफा लवर्स के लिए जो है गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि ये गेम जो है वो इसी साल आ जाएगा, पर इस साल कब आएगा इसकी कोई रिलीज डेट नहीं है, बट ये PS4 और एक्सबॉक्स 1, स्विच और PC चारों प्लेटफॉर्म पे ही आने वाला है। तो फीफा 19 जो है काफी अच्छा है, इसके गेम प्ले वगैरह जो है मेरे को पिछले फीफा 18 जैसे ही लग रहे हैं। तो अगला जो गेम है वो है गोस्ट ऑफ सुशीमा। तो सुशीमा जो है जापान में एक सिटी का नाम है, तो इस पे बेस्ड एक गेम बनाई गई है। तो इस गेम के डेवलपर्स जो है वो है सकर पंच, और सकर पंच वही डेवलपर्स है जिन्होंने इनफेमस गेम बनाई थी। तो गोस्ट ऑफ सुशीमा इसका ट्रेलर रिलीज किया गया, तो इस ट्रेलर से जो है
काफ़ी ज़्यादा हमें पता चला इस गेम के बारे में। तो गेम का वर्ल्ड जो है काफ़ी कमाल का बनाया गया है, इन्वायरमेंट काफ़ी कमाल का है। तो ये कहानी जो है जापान की होने वाली है, फेडिवल जापान की कहानी है। इसमें जो है समुराई की स्टोरी दिखाई गई है। ये गेम जो है प्लेस्टेशन 4 एक्सक्लूसिव गेम होने वाला है। इस गेम का कोई रिलीज डेट वगैरह इन लोगों ने रिवील नहीं किया, लेकिन ये गेम जो है काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो देखते हैं इस गेम के बारे में और डिटेल्स कब निकल के आती हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो अगला जो गेम है वो है डाइंग लाइट 2। तो डाइंग लाइट 2 जो है वो अपने फर्स्ट पार्ट डाइंग लाइट का सीक्वल है। तो डाइंग लाइट 2 जो है अपने पहले वाले पार्ट से थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि पहले वाले पार्ट जो था वो जॉम्बी सर्वाइवल गेम था, फर्स्ट पर्सन जॉम्बी सर्वाइवल गेम था। लेकिन सेकंड पार्ट जो है थोड़ा सा हटके है, क्योंकि डाइंग लाइट 2 में जो है आपको दिन में ह्यूमन से फाइट करनी होगी और रात के टाइम जो है जॉम्बी से फाइट करनी होगी, ऐसा हमें ट्रेलर से पता चला है। हालांकि इसके बारे में और भी डिटेल्स आनी अभी बाकी है। तो ये गेम जो है वो आने वाला है एक्सबॉक्स 1, पीसी और प्लेस्टेशन 4 पे। और इस गेम की कोई रिलीज डेट नहीं आई है, पर हम मान के चल रहे हैं कि ये गेम जो है हमें अगले साल तक देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट गेम है हमारा वो है मेट्रो एक्सोडस। तो मेट्रो एक्सोडस जो है फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है, और ये गेम जो आता है वो आता है 4A गेम्स की तरफ से। तो ये गेम मेट्रो सीरीज का जो है तीसरा पार्ट होने वाला है, मेट्रो लास्ट नाइट का सीक्वल है ये। तो इस गेम के जो ग्राफिक्स वगैरह दिए गए हैं, डेवलपर्स ने जो है ग्राफिक्स पे बहुत ज्यादा काम किया है, गेम की डिटेलिंग कमाल की दी गई है। फर्स्ट पर्सन शूटर गेम जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, और ये गेम जो है वो आने वाला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, प्लेस्टेशन 4 और एक्सबॉक्स 1 पे। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो जो अगला गेम है वो है डूम इटर्नल। तो फाइनली डूम का जो है एक नया गेम आने वाला है, और इस डूम का जो है ट्रेलर हमें दिखाया गया, पर ये जो ट्रेलर था वो एक टाइप का सिनेमैटिक ट्रेलर या फिर एक कटसीन कहूँ गेम का। इसके ट्रेलर से हमें कुछ ज्यादा तो पता चला नहीं कि गेम का गेम प्ले कैसा होने वाला है, पर गेम के ग्राफिक्स वगैरह जो है इसके पिछले गेम की तरह ही लग रहे हैं, और गेम में जो है काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स होने वाले हैं, काफी बड़े डीमंस होने वाले हैं। तो देखते हैं इस गेम के बारे में और डिटेल्स कब निकल के आती है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो अगला जो गेम वो है द एल्डर स्क्रोल 6। तो एल्डर स्क्रोल 6 का ट्रेलर भी हमें दिखाया गया, पर इसके ट्रेलर से हमें कुछ भी नहीं पता चला सिवाय इसके लोगो के, क्योंकि इस ट्रेलर में जो है इस गेम का सिर्फ लोगो रिवील किया गया और बैकग्राउंड में कुछ लैंडस्केप थे। एल्डर स्क्रोल फैंस के लिए अच्छी न्यूज है कि इसका जो है छठा पार्ट आने वाला है। तो देखते हैं इस गेम के बारे में और डिटेल्स कब निकल के आती है। तो अगला जो गेम है वो है फॉलआउट 76। फॉलआउट की तरफ से एक नया गेम आने वाला है, जिसका नाम इन्होंने इस बार फॉलआउट 76 रखा है, और 76 जो है वो एक वॉल्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है इसमें। और ये गेम जो है वो आने वाला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, प्लेस्टेशन 4 और एक्सबॉक्स 1 पे। गेम जो है इसी साल रिलीज हो जाएगा नवंबर 14 को 2018 में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो अगला जो गेम है वो है वोल्फेंस्टाइन यंग ब्लड। तो वोल्फेंस्टाइन की तरफ से एक नया गेम आने वाला है, वोल्फेंस्टाइन यंग ब्लड जो है वोल्फेंस्टाइन 2 का जो है वो सीक्वल है द न्यू कोलोसस का। तो गेम जो है वो फर्स्ट पर्सन शूटर गेम होने वाला है। तो दोस्तों इस गेम की कोई रिलीज डेट अभी तक आई नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये गेम जो है 2019 तक रिलीज हो जाएगा। और प्लेटफॉर्म के बारे में बात करी जाए तो ये गेम जो है वो आ जाएगा प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स 1 और पीसी पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो अगला जो गेम है वो है किंगडम हार्ट्स 3। तो किंगडम हार्ट्स 3 जो है अपने पिछले वाले गेम का सीक्वल है, और ये गेम जो है काइंड ऑफ मिक्सचर है, क्रॉसओवर है काफी सारे कैरेक्टर्स का। तो इस गेम में जो है आपको डिज्नी, पिक्सार और फाइनल फैंटेसी के कैरेक्टर्स आपको इस गेम में देखने को मिल जाएंगे। तो ये गेम जो है वो रिलीज हो जाएगा जनवरी 29, 2019 में। गेम जो है वो रिलीज होगा प्लेस्टेशन 4 और एक्सबॉक्स 1 पे। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो अगला जो गेम है वो है जंप फोर्स। तो जंप फोर्स गेम जो है वो काफी ज्यादा अलग गेम है, और ये गेम को देख करके सीरियसली मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि इस गेम में जो है आपको ड्रैगन बॉल जी, नरूटो, डेथ नोट और वन पीस के कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। तो ये गेम जो है क्रॉसओवर ऑफ एनिमी कैरेक्टर्स है, जो कि पहली बार किसी गेम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये गेम जो है 2019 में कभी भी आ सकता है, इसकी कोई ऑफिशियल रिलीज डेट अभी आई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये गेम जो है एक्सबॉक्स 1 एक्सक्लूसिव हो। तो चलते हैं हमारे आखिरी गेम की तरफ। तो हमारा आखिरी गेम जो है वो है गियर्स ऑफ वॉर 5। तो गियर्स ऑफ वॉर 5 का ट्रेलर जो है रिवील किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो ये गेम जो है एक्सक्लूसिव होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स 1 और पीसी पे। तो इस गेम की स्टोरी जो है वो कंटिन्यू होने वाली है इसके आखिरी पार्ट से। तो ये गेम जो है हमें 2019 में देखने को मिलेगा। तो ये थे वो 25 गेम जो E3 में लॉन्च किए गए। आई होप आपको ये गेम्स पसंद आए होंगे। प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कौन सा गेम पसंद आया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह की गेमिंग वीडियोस देखने के लिए जो है आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। What did JD tell you? This is why you